बस चलो। पहुंच गए। बहुत बढ़िया जगह है। ओह लवली प्लेस, लवली प्लेस। चलो चढ़ाई शुरू करें। चल चल यार, मैं तो अभी भी कहता हूँ सर के बिना हमें रिस्क नहीं लेना। अरे कुछ नहीं यार। चुप रे यार, तू हमेशा डरता रहता है। अगर तुझे डरना ही था तो ट्रैकिंग करने क्यों आया? घर पे बैठता, आराम करता। लेकिन यार, अरे चल, चुप रे चुप रे, मैं सीनियर हूँ, तैयारी करते हैं चढ़ने की। चला जा जा। ये ले। ये ले। दे। गुड लक। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय, टेक केयर। संभाल के यार। चलो हम भी तैयार हो जाते हैं। यस। रुक जाओ यार, पहले उसे ऊपर तो पहुंच जाने दो। अच्छा ठीक है भाई, आज इनकी बात मान लेते हैं। चलो वेट करते हैं। अरे यार संभाल के। अबे डरपोक, अजीत को चाहिए थे? नहीं नहीं चाहिए। वेरी गुड। अरे सही जा रहा है यार, मास्टर है वो। अरे कीप इट अप बॉस, कम ऑन, वी आर फॉलोइंग यू। अरे यार गिरेगा तो नहीं? क्या हुआ, ये रुक क्यों गया? अजीत क्या हुआ? अरे यार और कुछ बोल यार। यार लगता है उसे कुछ प्रॉब्लम है। अजीत अजीत अजीत, क्या हुआ यार? अजीत अजीत क्या हुआ? हमारा अजीत, अजीत ठीक है ना भाई? अजीत अजीत आगे गोली रखो। अजीत 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 आगे गोल यार, आगे बंद मत कर यार। राकेश ये आगे क्यों नहीं खोल रहा है? अजीत हालत खराब हो रही इसकी। अजीत आग खोल, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। नागेश जल्दी कर यार। नागेश तेज चला। चला रहा हूं यार। अजीत यार कुछ नहीं होगा तुझे यार, ये बोल क्यों मेरा कुछ? अजीत आग खोल, क्या कर रहा है यार? तेज कर रहा है यार, इसकी हालत खराब हो रही है। अरे जल्दी कर रहा है यार। अजीत अजीत जल्दी करो यार। अजीत कमाल अजीत जल्दी करो, कमाल बी फास्ट। अजीत कुछ नहीं होगा, अजीत कुछ नहीं होगा। कमाल जल्दी करो। हाँ कमाल जल्दी करो। अजीत आके खोल। सॉरी आप लोग अंदर नहीं आ सकते। Thank you.
क्या हुआ डॉक्टर साहब? सॉरी, ही इज डेड। डेड? ये ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरे, इनका बदन काला पड़ता जा रहा था, इनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। इनकी मौत सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने से? फिर भी एक पुलिस केस है, क्योंकि एक एक्सीडेंट है। सॉरी बॉयज। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, फिर भी इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेजना ही पड़ेगा। अच्छा तो मिस्टर सतीश, ये बताइए क्या मिस्टर अजीत आपके ग्रुप लीडर थे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो भी हमारी तरह अंडर ट्रेनिंग ही थे। लेकिन वो हमारे सीनियर थे इंस्पेक्टर साहब, और क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट हो चुके थे। हमारे ग्रुप लीडर तो मिस्टर भास्कर हैं, वो आते ही होंगे। क्या मतलब, आप लोग बिना ग्रुप लीडर के ही? इंस्पेक्टर मैं कमिन। यस कमिन। इंस्पेक्टर मेरा नाम भास्कर है, मुझे जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला मैं यहाँ चला आया। मिस्टर भास्कर, आप अपने ग्रुप के लोगों को मरने के लिए पहले भेज देते हैं और बाद में आते हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसमें भास्कर सर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि उनकी बस खराब हो गई है और वो एक दिन लेट होंगे। इन बातों में अब क्या रखा है इंस्पेक्टर, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ। मुझे वहां से पता चला कि अजीत की मौत पहाड़ी से गिर के नहीं हुई है, बल्कि सांप के काटने से हुई। देखिए जो कुछ भी हो, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक इंतजार करूंगा, और तब तक आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में? नहीं, वहाँ जहाँ कहीं भी आप ठहरे हैं वहाँ का पता आप लिखवा कर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर मैंने इनके रहने का इंतजाम यहाँ के डाक बंगले में किया हुआ है। डाक बंगले में? सर, डाक बंगला हमने देखा है, वो बहुत ही भूतिया और उजाड़ है, पास ही मरीना लॉज है, वो बेहतर है। देखो भाई, तुम लोग जहां चाहो वहां रह सकते हो, मैं तो उस डाक बंगले में ही रहूंगा, मुझे वो जगह बहुत पसंद है। ओके इंस्पेक्टर, हम लोग चलते हैं। थैंक यू। कब? करण सिंह, करण सिंह आ गए आप? आ जाइए, मैं आपकी का इंतजार कर रही थी। आप आ गए? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आइए अंदर आओ। आइए ना, आइए अंदर आइए।
जयराम जी की साहब। हाँ जयराम जी की, कौन हो तुम? पूरन चंद हूँ, इस बंगले का चौकीदार। लेकिन इस बंगले का चौकीदार तो करण सिंह था ना? करण सिंह था, लेकिन कहा हुआ ना साहब, उसकी शादी हो गई और उसके बाद ना जाने उसका पता है ना उसकी बीवी का पता है। हमको लगता है उसकी बीवी उसको लेकर शायद हनीमून मनाने। हाँ हनीमून मनाने। लेकिन आप चिंता ना करें, हम अकेले हैं ना, हम 10 के बराबर हैं, हम आपका बराबर ख्याल करेंगे। अकेले? हाँ जी। लेकिन अभी अभी तो मैंने एक औरत की आवाज सुनी। अरे साहब अंदर औरत नहीं साहब, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, अंदर औरत औरत नहीं। अरे ऐसे कैसे अंदर कोई नहीं है? मैंने अभी अभी अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। देख एक मिनट साहब, अंदर कोई नहीं है, औरत नहीं है, हमारे बात सुनिए, आप चलिए, आइए 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 आइए, आओ साहब, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम है ना, आओ आप। आइए साहब। हाँ। आइए, देखिए कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है। हाँ शायद मुझे धोखा हुआ था। हाँ क्या नाम बताया था तुमने? पूरनचंद। पूरनचंद तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, तब तक मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। जी साहब, बेडरूम यहाँ पे है। हाँ मुझे मालूम है। चंद जल्दी आइए साहब, अरे कोई तो है साहब जी, वो साहब। पूरन चंद साहब, बचाओ बचाओ, ओ साहब जी बचाओ, साहब जी अरे बचाओ, अरे ये क्या हो रहा है, ये सब बचाओ, अरे साहब जी क्या हुआ, क्या साहब जी बचाइए। बचाइए साहब जी, साहब जी बचाइए। पूरनचंद क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? साहब जी आप ठीक कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, यहाँ पे औरत है। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन तभी कह रहे थे, लेकिन अब जब हम रसोई में आए, अचानक नल चालू हुआ, सब्जियां कटने लगी, सब चीजें हिलने लगी। साहब जी हम कहते हैं यहाँ पर भूत प्रेत का निवास है। भूत प्रेत और दिन दिहाड़े क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब जी आप माने ना माने,
शायद इसी डर से वो करण सिंह और उसकी पत्नी यहाँ से भाग गए। मैं भी भाग रहा हूँ साहब, इस भूत के घर में मैं रहने वाला नहीं साहब जी। जयराम जी की, मैं भाग रहा हूँ साहब जी, मैं भाग रहा हूँ साहब। मैं इस डाक बंगले में पहले कई बार आ चुका हूं, पर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शायद सतीश ठीक कह रहा था, उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। साहब। कौन है? साहब, मैंने आपके नहाने का पानी टब में भर दिया है। कौन है यहां पर? अरे कौन है यहां पर? सामने क्यों नहीं आती? क्यों क्यों तंग कर रही हो तुम सबको? देखो बहुत हो गया ये लुका छपी का खेल। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर भास्कर, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि डॉक्टर ने भी हमारी डेथ वाली थ्योरी एक्सेप्ट की है। मैं उस स्पॉट पर ही गया था जहाँ से अजीत नीचे गिरा था। उसकी मौत सांप काटने से हुई है जी। अब आप लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। सॉरी, मैं आपको चाय वगैरह के लिए पूछ नहीं सकता हूँ, कोई है नहीं घर में चाय बनाने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। भास्कर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। पास के जंगल में किसी औरत की लाश मिलने की खबर मिली है, मुझे वहां पहुंचना है। ओके, मैं चलता हूं। जी जी इंस्पेक्टर, थैंक यू थैंक यू।
मैं देखता हूं। कहाँ है साहब? वो देखो, वो रहा साहब। कहाँ? अरे तुम लोगों को दिख रही ना, वो फल पर लाई खड़ा है। कहाँ है यार? वो मुझे डस लेगा। अरे कोई दरवाजा बंद करो। अरे वहाँ कुछ भी नहीं है यार। अरे यार वो रहा ब्राउन कलर का साहब, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। कहाँ हवा में साहब? नागेश मेरी बात मान, जैसे मैंने दरवाजा खोला वो फल फलाए मुझ पर फून करा। तो अभी कहाँ गया? मुझे डस लेगा। वो कहाँ है? कुछ नहीं है यार। मेरा यकीन करो, जैसे मैंने दरवाजा खोला वो यहीं पे था। देख नहीं है साहब, देख सुन, तेरे सिर पे अजीत की मौत सवार है, उसे सांप ने काटा इसलिए तुझे सांप से डर लग रहा है बस। नहीं यार मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। देख भाई, ऐसे इलाके में वैसे भी हमें सांप और बिच्छू ही मिलेंगे ना, और क्या मिलेगा? नहीं यार, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी बात मानो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे पागल हो गया यार, देख हम क्लाइंबिंग के लिए आए और सरिया आ चुके हैं, अब नहीं जा सकते। नहीं यार जस्ट शट अप, ओके? कपड़े चेंज कर, हम लोग डाक बंगले चलते हैं, ऑलराइट? जस्ट रिलैक्स। अच्छा ठीक है, पहले मैं दरवाजा बंद करूं। हाँ ठीक है, बंद करता हूँ यार, जा बंद कर। कौन है वहां? रुको सुनो, रुको। कौन है यहां? कैसे ढूंढ रहे? अरे तुम लोगों ने किसी लड़की को यहां से जाते देखा है क्या? लड़की? नहीं सर। कमाल है, उसने अंदर खाना बनाकर रखा और फिर वो बाहर निकल आई। मैंने बहुत आवाज मारी पर वो रुकी नहीं। सर एक काम करते हैं, आप अंदर चल के खाना खा लीजिए, हम लोग तो खा चुके हैं, उसके बाद बातें करते रहेंगे। हाँ वो तो ठीक है, पर यहाँ कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही है। मतलब? यहाँ का पुराना चौकीदार करण सिंह, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं चला गया और फिर जो नया वाला आया था वो डर के भाग गया। डर के भाग गया? हाँ, उसको इस औरत में भूत नजर आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या भूत प्रेत भी खाना बना कर खिलाते हैं? सर मैं तो कहता हूँ हम लोग अंदर चल के रिलैक्स करते हैं। हाँ यू आर राइट, चलो अंदर आओ। अच्छा चला जाओ। सर कहाँ रूम कहाँ है? सर
उधर। अरे खाना उस टेबल पर पड़ा था। सर वहां तो कुछ भी नहीं है। कहां गया? सर मुझे लगता है आपको कोई वहम हुआ है। वहम? हाँ। नहीं नहीं, मैंने खाना वहां खुद देखा और वो लड़की को भी देखा। सर एक काम करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। आइए चलिए। हाँ वो ठीक है पर चलिए ना सर। एक मिनट सर, मैं जरा बाथरूम में हूँ। हाँ राइट। वैसे ही हुई जैसे अजीत की मौत हुई थी। क्या बात है डॉक्टर, दो दिनों में दो लाशें, वो भी दो दोस्तों की लाश। नहीं इंस्पेक्टर, यहां ऐसी कोई गड़बड़ या शक वाली बात नहीं। सिर्फ हैरानी की बात यह है कि सतीश के और अजीत के घाव बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों को एक ही सांप ने डसा हो। ये कैसे हो सकता डॉक्टर? अजीत की मौत तो लगभग 100 फुट ऊपर पहाड़ी पर किसी सांप के काटने से हुई। वही सांप पहाड़ी से उतरकर सतीश को काटने के लिए डाक बंगले तक क्यों आएगा? वो मैं नहीं जानता, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट। ठीक है मैं चलता हूं। अजीत की मौत हुई थी और आज सतीश की। हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। हाँ सर, अरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे तो लगता है हमारी जान को भी यहाँ खतरा है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं ना? हाँ आप लोग जा सकते हैं, वैसे भी आपके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। एक बात है, अगर आप लोग चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद इंस्पेक्टर? एक औरत की लाश आई है, वैसे भी आप लोग जंगल सुनसान वीरान में टहलते रहे हैं। उस औरत की लाश को देखकर अगर आप बता सकें, उसकी पहचान कर सकें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इंस्पेक्टर साहब हम आपके साथ चलते हैं और अगर हम उसे पहचानते होंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है आइए, आप भी आइए मिस्टर भास्कर। Thank you.
क्या बात है? आपने इसे कहीं देखा था? हाँ? नहीं। और आपने? हाँ? नहीं नहीं, पहले नहीं देखा। वो क्या है, दरअसल क्या है कि हमारे दोस्तों की मौत ने हमें हिलाकर रख दिया और उस पर से ये लाश। नहीं देखा इससे पहले? नहीं देखा सर। अब हम लोग यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते, हम जा सकते हैं? हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है मिस्टर भास्कर? इंस्पेक्टर साहब, समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आपको ये लाश जंगल से मिली, पर हूबहू ऐसी शक्ल की औरत मैंने डाक बंगले में देखी है। मिस्टर भास्कर, क्या मुझे आप उस औरत से मिला सकते हैं? पता नहीं इंस्पेक्टर, क्यों वो औरत एक अजीब किस्म का खेल खेल रही है, पर अगर वो मुझे कहीं दिखेगी तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। पर एक बात है इंस्पेक्टर, ये लाश और वो डाक बंगले वाली औरत दोनों जुड़वा बहने लगती हैं। वैसे इसकी मैंने फोटो ले ली है और मैं गांव वालों को भी दिखा दूंगा। और हाँ, आपको अगर कहीं मिल जाए तो आप मुझे इसकी तला जरूर कर दीजिएगा। जी इंस्पेक्टर, वैसे मैं यहाँ सिर्फ आज रात के लिए हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। मेरे यहाँ रहने के लिए कोई रीजन भी तो नहीं है। आप यहाँ, मैं उन लड़कों के लिए आया था, लेकिन अब एनीवे मैं चलूँ इंस्पेक्टर? ठीक है, आप जा सकते हैं। जी थैंक यू। हवलदार, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। इसकी तस्वीर गांव में दिखाओ, अगर इसे कोई पहचान लेता है तो मुझे खबर करो। चंद, तुम यहां क्या कर रहे हो? हम यहां से भाग रहे हैं साहब। भाग रहे? क्यों? हम आपको बताने आए हैं कि आप भी यहां से भाग जाइए। पर क्यों, क्या हुआ? बहुत बहुत बुरी खबर है, खतरनाक खबर है साहब। कौन सी खबर? वो हमने जो बताया था आपको, वो करण सिंह और उसकी पत्नी के बारे में। हाँ, तुमने कहा कि वो दोनों हनीमून के लिए गए। हनीमून नहीं, वो सच्ची खबर नहीं। सच्ची खबर यह है साहब की वो करण सिंह ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और उसके ससुर ने उसकी लाश को कहीं जंगल में छुपा दिया और भाग गए कहीं। तुम्हारा मतलब है कि जिस लाश को मैंने पुलिस स्टेशन में देखा है वो करण सिंह की पत्नी की लाश है? आपने वो लाश देखी? हाँ हाँ, मैंने वो लाश देखी। अरे तो साहब आप भी भाग जाइए, मैं तो कहता हूँ कि हराने का कोई मतलब ही नहीं, आप भाग जाइए, हम भाग रहे हैं। बस सुनो पूरन सिंह, तुम एक काम करो, तुम जरा गांव में पता लगाओ कि करण सिंह की पत्नी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाली कोई औरत या लड़की गांव में है क्या, क्योंकि उस दिन जिस लड़की की आवाज सुनकर तुम भाग गए थे उस लड़की की शक्ल बिल्कुल करण सिंह की पत्नी की शक्ल से मिलती जुलती है। मैंने अभी उसकी लाश पुलिस स्टेशन में देखी है। मतलब साहब आपने जो लाश वहां देखी पुलिस स्टेशन में, वो लाश और यहां की औरत दोनों का चेहरा एक जैसा ही है? हाँ एक जैसा है। तो हाँ हाँ क्या कर रहे हैं, भागिए यहाँ से, हम जा रहे हैं।
इस भूत बंगले में हम नहीं रहने वाले। जयराम जी की, आप भागिए। पूरन चंद सुनो, पूरन देखो देखो कहाँ जा रहे हैं साहब। अरे देखो आप, अरे साहब 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 देखो 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 हटो, अरे जल्दी देखो जल्दी करो, क्या कर रहे हो, जल्दी देखो उसको हटाओ यहाँ से सबको। अरे सांप आ गया, पता नहीं कैसे आया यहाँ पे, आया कैसे मैं पूछता हूँ सांप। अरे हटाओ, क्या कर क्या रहे हो यहाँ से, सबको हटाओ यहाँ से जल्दी रहो। दो तो नहीं सामने। अरे सांप, अभी इतना बड़ा सांप था यहाँ पे, अगर दो मिनट पहले आप लोग यहाँ आ जाते, आप दोनों में से किसी एक को काट लेता। आप लोग अंदर जाइए, बहुत बड़ा सांप है यहाँ पे, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। बच गए, दोनों कमीने बच गए। ओह, तो तुम ही वो नागिन हो जिसने अजीत और सतीश को डसा है। मैं जीव हिंसा के खिलाफ हूं, पर तुम्हें मारने के लिए मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। आज पहली बार मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये जादू टोना, ये भूत प्रेत का खेल मेरी समझ में नहीं आता है। इंसान की नजरें धोखा खा सकती हैं। फिर आपकी नजरें भी धोखा खा रही हैं। कौन तुम और ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? अरे अरे क्या चाहती क्या हो तुम? पर एक बात याद रखना, मैं बहुत ही मजबूत दिलो दिमाग वाला इंसान हूं। तुम जो कोई भी हो, मेरे जहन पर इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकते हो। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूं साहब, और मैंने किया भी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए अजीत को मैंने ही मारा है। क्यों मारा तुमने? अरे क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने मेरा? लाज लूटी थी उन्होंने मेरी। लाज? मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ के रख दिया उन्होंने। उन दोनों को तो मैंने खत्म कर दिया, अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। मगर उन चारों से तुम्हारा क्या लेना देना? यही तो बताना चाहती हूं मैं आपको। मेरा नाम सुचित्रा है, मैं करण सिंह की व्याहता थी। क्या? चौकीदार करण सिंह? हाँ, करण सिंह की व्याहता। पर पूरन चंद तो कह रहा था कि तुम्हारे पति करण सिंह ने तुम्हारी हत्या कर दी। अरे साहब,
इसकी खुद हत्या कर दी गई हो, वो किसी की हत्या क्या करेगा? क्या करण करण सिंह की हत्या हो गई? हाँ साहब। किसने की करण सिंह की हत्या? पर तुम दोनों की तो नई नई शादी हुई थी ना, फिर ये सब कैसे हो गया? साहब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। करण सिंह और मैं एक ही गांव के थे, बचपन में एक साथ पाठशाला में पढ़ने जाते थे। साहब हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। करण सिंह के रिश्तेदारों में उसके दूर के एक मामा थे जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। हमारा ब्याह बड़ी मुश्किलों से हुआ और करण सिंह मुझे विदा करा के बैलगाड़ी में लिए आ रहा था। हाँ ये गाड़ी वाले से पूछ। रुक 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 रुक। अरे दद्दा। हाँ ये रुपावली डाक बंगला किधर है? अरे काका जी क्या पूछ रहे हैं बाबूजी? ये गाड़ी वाले बाबू साहब पूछ रहे हैं कि रुपौली डाक बंगलो कहाँ है। अच्छा तो हम बताते उनको। हाँ हाँ अजी राम राम। जरम अजी आप सब लोगों को रुपौली डाक बंगलो जाना है। हाँ अजब सा संजोग है, हम वहीं के चौकीदार हैं साहब जी। हम उसकी देखभाल भी करते हैं और जो लोग वहाँ रहने आते हैं उनकी सेवा भी करते हैं। क्या बात है, तो फिर बैलगाड़ी में क्यों जा रहे हो? कार में बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाएंगे। अरे नहीं 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 साहब जी, वैसे साहब हम अकेले थोड़ी ना है। क्या है ना साहब जी, हम अभी अभी ब्याह करके आए हैं, हमारी दुल्हन भी हमारे साथ है। तुम्हारी दुल्हन भी है साथ में? तो कोई बात नहीं, उसे भी बिठा लो, साथ में चले चलेंगे जी। हाँ अब तुम ये बताओ कि डाक बंगला कितनी दूर है यहाँ से? बस यहाँ से कोस दो कोस दूर है। अब दो कोस दूर तुम अगर बैलगाड़ी से जाओगे तो तुम्हें 4 घंटे लग जाएंगे, हमारी गाड़ी चलो 10 मिनट पहुँचते। आप ठीक ही कह रहे हैं साहब जी, हमारी सुचित्रा भी घूम लेगी गाड़ी में। वैसे साहब जी हम तो ना बहुत घूमे हैं गाड़ी में, बहुत घूमे हैं। जरा ठहरिए, हम उससे भी पूछ ले। हाँ पूछो पूछो। अरे सुनो, अरे सुनो तो, बाबू जी हमें डाक बंगले छोड़ रहे हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे काका हमें पहुँचाते पहुँचाते रात हो जाएगी, वापस काका को भी तो घर जाना है। सुन रही हो? चलो जल्दी करो। संभाल आ जाओ काका। अब आप यहां से वापस चले जाइएगा, हमें गाड़ी वाले छोड़ देंगे। ये 10 रुपए रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, हम तुमसे भाड़ा लेंगे, पगला गए हो का? नहीं काका ये भाड़ा नहीं, ये तो सिर्फ 10 रुपए है, और वैसे भी काका आजकल 10 रुपए में 1/2 किलो लड्डू भी नहीं आते। अरे बेटा हमसे ये नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। ठीक है काका हम आते हैं काका, ध्यान से जाइएगा। दोनों सुखी रहो। आते चलो साहब जी। ये आ जाओ आ जाओ। आइए सर जी आइए। पूरन चंद, ए पूरन चंद। अरे करण जी कैसे है भाई? बहुत मजे में, और ये सब साहब जी यही रहने वाले। अच्छा, और ये तुम्हारी भौजी है। नमस्ते भौजी। भौजी अभी बोलेगी ना, बहुत शर्माती है, अभी तक उसकी मुंह दिखाई नहीं हुई है। अच्छा अच्छा। पूरन तुम साहब जी का सामान अंदर रख दे, तब तक मैं तुम्हारे भौजी को अपना क्वार्टर बता देता हूँ। जी जी ठीक है ना। आइए आइए आइए।
आइए आइए समाराम से। आइए क्या हुआ? लेकिन सुचित्रा वो लड़के तो कह रहे थे कि वो यहाँ आए नहीं, उन्हें ये डाक बंगला भूतिया और उजाड़ लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। झूठ झूठ कहा उन लोगों ने, सबके सब झूठ बोलते हैं। लेकिन इस बारे में तो पूरन चंद ने भी कुछ नहीं कहा। पूरन चंद वो कैसे बताएगा? उन लोगों ने तो नोट देकर उसका मुंह बंद कर दिया था। बताइए साहब, चाय कैसी बनी है? अरे हम खुद बनाया हूँ अपन हाथ से। क्या बात है? वो कहा है कि करण सिंह आज नहीं आने वाला है, शादी हो गई ना उसकी, वो आज रात को अपने औरत का मुंह देखेगा। तो सिर्फ चाय वाय पिलवाओगे या फिर कुछ और इंतजाम भी है? पीना? अरे सब मिलेगा। वो कहा है कि हमारे नीचे एक बनिया है, बनिया वो सब रखता है, लेकिन क्या है माल बहुत ज्यादा लेता है। इतना ही देंगे? अरे इतने में क्या होगा, इतने में कहां सामान आएगा? हाँ पूरनचंद रुको, क्या है? बस एक मिनट। पर क्या कर रहे हो, क्या बात? हाँ, एक दो तीन चार पांच। ये किस लिए? तुम्हारे लिए। हाँ, बस तुम हमारी यूं ही सेवा करते रहो, हम तुम्हें यूं ही खुश करते रहेंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब एक बात बोले का? बोलो। अरे कहाँ आपकी बॉडी है, कहाँ मसलवा है? अरे क्या बात करते हो, जाओ लेके आओ। लेके आते हैं जल्दी। हाँ आओ साहब, देखा कहा है? 10 रुपया देते हैं। मैं तुम्हें बचपन से देखता चला आ रहा हूं, लेकिन आज आज दुल्हन के रूप में पहली बार देखूंगा। अरे हां मैं तो भूल ही गया, ये मुंह दिखाए के लिए चांदी का हार लाया हूं। सोना खरीदने की ताकत नहीं है ना मुझ में, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें यह पसंद आएगा, है ना? जानती हो सुचित्रा, तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे अपने गांव के उस कविराज का दोहा याद आ गया। सब तिथियन को चंद्रमा देखा चाहे आज, तो धीरे धीरे घूंघटा सर का ओ महाराज। अरे सरकार आंखें तो खोलिए, इस गरीब पर भी नजर डालिए। Thank you.
अरे साहब आप लोग रात भर यही बैठेंगे, का खाना नहीं खाएंगे? ये कहाँ गए साहब, हमारे साहब कहाँ गए पैसे वाले? आ रहे हैं। आओ साहब जी, नमस्ते। अरे साहब कहाँ गए थे आप, खाना नहीं खाएंगे? पूरन चंद हम लोग खा लेंगे, तुम जाओ। लेकिन साहब वो खाना ठंडा हो जाएगा वहाँ पे। अरे हाँ, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें पास वाले गाँव में नौटंकी देखने जाना है। हाँ साहब जाना है, लेकिन क्या है वो आपका सेवा कौन करेगा? चिंता मत करो, ये लो। ठीक है साहब, तो मैं जाऊं क्या? हाँ तुम जाओ, लेकिन वो जाओ ऐश करो। शुक्रिया साहब, वो खाना खाइएगा, हम सवेरे आएंगे, सिर्फ वो बर्तन धोकर ले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हम जाते हैं, चला। हाँ उसे तो भेज दिया, खाना कौन खिलाएगा हमें? अरे खाने की बात छोड़, मेरा तो सारा नशा उतर गया। अबे हुआ क्या अरुण? मैं अभी अभी उस चौकीदार की दुल्हन का चेहरा देख रहा हूँ, कमाल की चीज है यार। नागेश, उस गांव की गवारन में क्या रखा है यार? अरे जब तू उसे देखेगा ना तो देखता ही रह जाएगा, मैंने ऐसा पीस तो शहर में भी नहीं देखा यार। क्या बात कर रहा है? हाँ वो चौकीदार वहां अपनी सुहागरात मना रहा है और हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ पी रहे हैं। अगर वो अपनी सुहागरात मना लेगा तो हमारे लिए क्या बचेगा? हाँ ये मैं सोच भी नहीं सकता कि ये लड़के ऐसा कर सकते हैं। साहब, उन चारों कबीलों ने यहां आकर पाप का जो गंदा नाच नाचा है उसे बताते हुए मेरी आत्मा को भी शर्म आ रही है। साहब जी ये क्या है? घबराओ मत, बिल्कुल घबराओ मत। तुमने कहा था ना तुम्हारी दुल्हन की आज मुंह दिखाई है, तो बस हम सब यहां मुंह दिखाई के लिए तो आए। ये ले मुंह दिखाई। अरे साहब जी ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जाइए यहाँ से। अरे आप लोगों ने पी रखी है। अरे हट पीछे, बोलता है पी रखी है। तुम रुक जाओ सुचित्रा, मैं देखता हूँ इन लोगों को। साहब जी आपसे कह देते हैं, अपने शहर का घिनौनापन यहाँ मत फैलाइए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे सपने भी बहुत छोटे हैं, हमें आपके रुपए नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। आप यहाँ से जाइए, आपके पैर पड़ता हूँ, आप यहाँ से जाइए, वरना साहब जी कह देते हैं ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा वे? साहब जी ठीक नहीं होगा, देखिए साहब जी। Oh!
सुचित्रा पास, और मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगा, प्लीज पास। लेकिन साहब, आपको तो सुनना ही होगा। उन लोगों ने मेरे सामने मेरे पति को मार डाला, फिर उन चारों जानवर मेरे तरफ बढ़े। मैंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था साहब। और वो चारों मुझे वहां से उठाकर डाक बंगले में ले आए। उन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि वो ये देख सके कि जो टेप उन्होंने मेरे मुंह पर चिपकाया था, उससे मेरे मुंह और नाक दोनों बंद हो गए थे। मेरे लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया था, दम घुट रहा था, और ऐसी हालत में बस सुचित्रा पास, कुछ और मत कहो प्लीज, बस, और सुना नहीं जाएगा मुझे। अगर अगर इस बात का पता मुझे पहले चल गया होता ना, तो मैं उन चारों को खुद अपने हाथों से मार देता। सोचिए साहब, अगर आप मर्द होकर ऐसी बात कर सकते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। साहब, वो लोग भेड़ियों की तरह मेरी लाश को झंझोड़ रहे थे। जब उन्हें होश आया, तब उन्हें यह ध्यान आया कि सुबह होने से पहले मेरी और मेरे पति की लाश को ठिकाने लगाना है। जल्दी करो अडाल, जल्दी करो यार। यार ये इसको तो गाड़ दिया, लड़की के लिए क्या करें, वहां गड्ढा खोद ले, यहीं पे करते हैं। चल चल, थोड़ा यहाँ पे। कुत्तों के भौंकने की आवाज, इसका मतलब है कोई यहीं पे आ रहा है। कहीं पुलिस तो नहीं? हो सकता है यार। भागते हैं यार यहाँ से, छोड़िए सब। लड़की का क्या करें? लड़की को यहीं कहीं जंगल में फेंक देते हैं यार। चलो जान बचाओ, जल्दी चलो, निकाल निकाल उसको। उधर डालते हैं, उधर जल्दी करो, छोड़ छोड़ चल 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 चलो यहां से। करण सिंह, ओ कर, सब सामान उलट पुलट, लगता है कुछ गड़बड़ है।
उन चार लड़कों की कारिस्तानी है, उन्होंने ही कुछ गड़बड़ किया है। अभी देखता हूं। जल्दी कर, चल 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 जल्दी चल यहां से, देखो कोई देखना ले। आजा आजा, चल 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 जल्दी चल, स्टार्ट कर चल। चल चल। अबे अरे साहब जी, वो करण सिंह और उसकी बीवी कमरे में नहीं है, क्या बात का, हमको कुछ गड़बड़ लगता है। क्यों साहब जी, क्या बात है? यहाँ देखो पूरनचंद, अंदर वाले कमरे की सफाई बहुत अच्छी तरह से करना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर आए थे। अरे साहब जी, आप चिंता नहीं करो, हम सफाई ऐसी करेंगे और धुलाई ऐसी करेंगे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि आप लोग यहाँ आए थे। और दूसरी बात, किसी ने हमसे पूछा कि कहाँ गए भाई करण सिंह और उसकी बीवी, तो उसका जवाब भी हमारे पास है। शाबाश। साहब, अब आप ही बताइए, क्या मैंने अजीता सतीश को मारकर कोई पाप किया है? नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया है सुचित्रा। पापी तो वो लोग थे और उनके उस पाप के लिए उन्हें और भी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी। साहब, मैं तो उन दोनों को भी खत्म करने गई थी, लेकिन वो बच गए और वो उस लॉज को छोड़कर जा चुके हैं। सुचित्रा, तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार हुआ है उसके लिए अरुण और नागेश को भी सजा मिलनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। लेकिन साहब, पुलिस तो आपसे सबूत मांगेगी, आप सबूत कहां से लाएंगे? सबूत है वो बैलगाड़ी वाला राम खिलावन काका, जिसके सामने उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पति को गाड़ी में डाला था। सबूत है पूरन चंद। अब पूरन चंद इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकेगा। जेल में पड़ी हुई करण सिंह की लाश सबूत है, और सबूत है वो कुल्हाड़ी जिससे करण सिंह की हत्या हुई थी। उस कुल्हाड़ी पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। उस कुल्हाड़ी पर लगा हुआ लहू उनके खिलाफ बयान देगा, और उसी कुल्हाड़ी पर अजीत के फिंगरप्रिंट्स है, वो सबूत है। उन दोनों को यहां लाया जाएगा, यहां, क्योंकि ये केस यहां के थाने का है। सुचित्रा, तुम मेरा विश्वास रखो, तुम्हारे साथ अधूरा नहीं पूरा इंसाफ होगा। मिस्टर भास्कर, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इन हालात में लोग ऐसी बातों को छुपा जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, जो कुल्हाड़ी बरामद हुई है और जो लाश खड्डे से मिली है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कह रही है कि उस गरीब सुचित्रा का बलात्कार हुआ है, और अब पुलिस को अरुण और नागेश के खिलाफ जुर्म साबित करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। यस सर, डोंट वरी, आपका कमरा बुक हो जाएगा सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे नागेश वाधवा और अरुण कोहली के बारे में पूछताछ करनी है। नागेश वाधवा? पर सर, वो दोनों तो आज चले गए। चले गए जी? कब? आज ही। आज? कितनी देर हुई? यही कोई एक घंटा पहले।
ओह, एक घंटा पहले। ओके, थैंक यू जेंटलमैन। वेलकम सर। यार, ये नागिन वाला चक्कर मेरी तो समझ में नहीं आया। समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा है। हमारे दोनों दोस्तों की मौत नागिन के डसने से हुई है। क्या हो सकता है? क्या पता यार, मैं तो बस इतना जानता हूं कि हमारी जान बच गई। अब जिंदगी भर वो पुलिस वाले चौकीदार और उसकी बीवी को ढूंढते रहेंगे। वो भी सोचते होंगे कि वो चौकीदार और उसकी बीवी गए कहां और उनका हुआ क्या। ये गाड़ी कैसे खड़ी है? रुक रुक रुक, अब ये क्या है यार? कौन है यार? गाड़ी हटाओ। कोई है? सुन ही नहीं रहा यार। देख देख देख, कौन? शायद गाड़ी में कोई है ही नहीं। अरे गाड़ी किसकी है? अरे कोई है? अरे ये गाड़ी किसकी है भाई? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चल हम हटाते हैं, संभाल के, ये भी करना था। चल आया, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं। नागेश, नागेश कहाँ है? नागेश, नागेश, thank you.
लोग यहाँ किसी की जिंदगी किसी का घर बर्बाद करने आए थे। औरत का तुम लोगों को सिर्फ एक ही रूप नजर आता है, ये भी भूल गए थे कि औरत एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। और हाँ, तुम्हारे तीनों साथियों को मैंने ही मारा है और अब तुम भी नहीं बच सकते। तुम क्या समझते थे गांव छोड़कर चले जाने से तुम बच जाओगे? अरे बेवकूफ, अब मैं जिस्म नहीं आत्मा हूं। तुमने मेरे बेगुनाह सीधे साधे पति को मारा, तुमने मुझे मार डाला और यह सोचा कि हमारी मौत एक राज बन के रह जाएगी। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही थी। अगर मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ देती तो तुम दोबारा ऐसा ही करते, क्योंकि औरत के बारे में तुम्हारी सोच बहुत ही गंदी है और मैं इस गंदगी को रहने नहीं देती। आखिर तुमने इनके किए की सजा इन्हें दे ही दी। इन पापियों का यही अंजाम होना था।